आज के जो क्वेश्चंस हैं हमारे ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर हैं, जो लास्ट सेशन हमने किया था वहां पे हमने क्वेश्चंस देखे थे सिनोनिमस यूसेस के ऊपर, जहां पे यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड ऑन दैट बेसिस आपको चूज करना था कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक शब्द सही है। आज हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पैटर्न थोड़े से अलग होते हैं। अब जैसे हम अगर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां पे आपको एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ड मिल सकते हैं और उनमें से फिर आपको चॉइसेस पूछी जा सकती हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप बैंकिंग एग्जाम की बात करो, मैनेजमेंट एग्जाम्स की बात करो, या DSSSB या KVS, तो आज का जो क्वेश्चन टाइप आप देखोगे ये इन सभी तरह के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है, बस उसमें थोड़ा वेरिएशन नंबर आप सेंटेंसेस में करते हैं। तो ज्यादा बात किए बिना मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। हाँ जी, पहला क्वेश्चन विजिबल है आपकी आंखों के सामने, एक बार डायरेक्शन में आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां लिखा है इन ईच क्वेश्चन देर आर 5 सेंटेंसेस, ईच सेंटेंस हैज अ पेयर ऑफ वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट आर हाईलाइटेड, फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड्स आर फ्रेजेस सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आर फ्रेज टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेज, दैट्स द टाइप ऑफ एरर, टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेज देन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन चूज द बेस्ट वन। तो अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, दिख रहा है यहां पे हमारे पास सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं आपको, 5 सेंटेंस और हर सेंटेंस के साथ दो दो वर्ड्स दिए गए हैं, उन दो शब्दों में से एक ही शब्द करेक्ट होगा और उस शब्द का जो लेटर है ए या बी वही आपको ऑप्शंस में देखना है। तो यही तरीका है इन क्वेश्चन को करने का। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको समझाने के लिए बात बता दूं, सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन में आप गए ए ऑप्शन के साथ और ए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है वो मैं लिख देता हूं, यहां लिखा हुआ है ए ए बी ए बी। अब इसका क्या मतलब है कि जो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा द रिटायर्ड CBI ऑफिशियल वाला सेंटेंस, उसमें आप जा रहे हैं ए वाले वर्ड के साथ, यानी आपको लग रहा है कि एनेक्डोटल वहां पे सही है। फिर दूसरे नंबर पे ए है, इसका मतलब दूसरे सेंटेंस में भी आपको ए वाला वर्ड सही लग रहा है एम्बार्गो। तीसरे सेंटेंस में शब्द हमारे पास इफेस और इफरवेस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वहां पे आपको लग रहा है बी वाला वर्ड। तो कहने का मतलब कि ये जो हमारे ऑप्शंस के लेटर्स हैं ये जिस नंबर पे हैं एक्चुअली वो एक उस पर्टिकुलर नंबर का सेंटेंस डिनोट करते हैं। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब अपना दिमाग आपको अप्लाई करना है और करेक्ट ऑप्शन पे पहुंचना है। देखो इन तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जाता है आपके लिए कि भाई एक यूनिट नंबर को लेने के लिए यू आर सपोज टू रीड 5 सेंटेंसेस एंड 10 वर्ड्स। तो दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है कि अगर मुझे इन 10 शब्दों का मतलब नहीं पता तो शायद मैं सही नतीजे पे ना पहुंच पाऊं, लेकिन इन क्वेश्चंस को भी आप 15 से 20 सेकेंड्स में बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आइए अब आपके साथ क्रैक करके यहां बताता हूं। बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं यहां पे, पूजा, लिखित, शिवांग, शंकर, रोशन, राज, आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहला है सेंटेंस द रिटायर्ड CBI ऑफिशियल हु लिव्ड डाउनटाउन वाज अ पजेसिव अबाउट हिज कार Which he got 4 decades ago. The neighbors see his car as anecdotal or antediluvian. ये शब्द दिया गया है और यहां पे अगेन हमने जो वोकैबुलरी डेवलपमेंट में रूट वर्ड सीखा है उसका असर आपको दिख रहा है। एंटे वर्ड आया हुआ है, एंटे आपका एक प्रिफिक्स है जिस प्रिफिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है बिफोर, और इसी के आगे शब्द जुड़ा हुआ है डिलुवियन, राइट, एंटे डिलुवियन। अब यहां पे जो डिलूवी शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिब्लिकल फ्लड, यानी जिस बाढ़ की चर्चा, फ्लड की चर्चा बाइबल में हुई वो डिलूवी है, और एंटे का मतलब बिफोर, यानी कोई चीज जो बिब्लिकल फ्लड से भी पहले हुई, इसीलिए इस पूरे शब्द का मतलब क्या बन जाता है, इफ एनीथिंग इज एंटे डिलूवियन मींस व्हाट, दैट थिंग इज आउटडेटेड, बिल्कुल ही बेसिक शब्द आउटडेटेड। या इस आउटडेटेड के लिए हमारे पास बहुत सारे सिनोनिमस शब्द हैं, जैसे एक वर्ड आता है एंटीक्वेटेड। जब 2014 में सरकार आई तो एक न्यूज आपने बार बार सुनी कि भाई 1000 से ज्यादा एंटीक्वेटेड लॉज को अबॉलिश कर दिया गया है, यानी 1000 से ज्यादा जो पुराने कानून थे जिनका अब कोई रेलेवेंस नहीं था सरकार ने उन्हें हटा दिया, एंटीक्वेटेड। एक और शब्द से आप परिचित हैं, दैट इज ऑब्सोलीट। ये सब सिनोनिमस शब्द ही आ जाएंगे एंटेडिलुवियन के साथ, आर्केक क्लॉज, आर्केक शब्द भी आ जाएगा इसके साथ। तो ये हो गया आपका एंटेडिलुवियन। एंटे प्रीफिक्स की चर्चा भी हुई थी, आई थिंक वोकैबुलरी 7 बैच में हो चुकी है और जो आपका वोकैब 8 में आई थिंक करना है मुझे, लेकिन अभी बेली रूट वर्ड हमने किया था तब ये शब्द देखा था हमने, एंटेबेलम, याद है ना, बिफोर वॉर।
ऐसे ही एंटरस्क्रिप्ट, एंटरस्क्रिप्ट यानी जो मेन स्क्रिप्ट से पहले लिखा जा रहा है, ऐसे ही अगर हम करते हैं एंटेपैटम, तो पैटम शब्द जहां पे भी आता है इसका मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, यानी चाइल्ड बर्थ से पहले, और चाइल्ड बर्थ के बाद पोस्ट पैटम डिप्रेशन जैसे आप सुनते हैं PARTUM। एंड और कौन सा वर्ड आपके दिमाग में है एंटे से? भाई जैसे पोस्टमार्टम है, जैसे पोस्टमार्टम है वैसे ही आपके पास एंटेमार्टम शब्द भी है, बिफोर डेथ, राइट। तो एंटे का ऑपोजिट पोस्ट हो जाता है। अब आपको अगर एंटे बेलम का ऑपोजिट पूछा जाएगा तो आप पोस्ट बेलम पे चले जाएंगे, ठीक है। ये तरीके हैं, तो हम इन क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो सीखेंगे ही, साथ के साथ जो उससे जुड़ी वोकैबुलरी है उसे भी सीखते चलेंगे। तो यहां पे आप देख लो, जब उनके पास 4 decades पुरानी जो कार है वो है, यानी 40 साल पुरानी है, यानी काफी पुरानी है, आउटडेटेड है। अब आउटडेटेड के लिए शब्द कौन सा हो गया आपके पास? एंटेडिलुवियन। एनेक्डोटल शब्द आया हुआ है, ये एनेक्डोट से शब्द बना है, एनेक्डोट आप जानते हैं, अ शॉर्ट स्टोरी, अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी व्हिच इज मोर ऑफ अ पर्सनल अकाउंट ऑफ समबडी। तो एनेक्डोट हम एक छोटी सी स्टोरी को कहते हैं जो मोर ऑफ अ पर्सनल अकाउंट होता है, यानी कि इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है, जरूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो, तो उसे हम एनेक्डोट कहते हैं और उसी से आया हुआ है शब्द एनेक्डोटल। तो खैर, इस शब्द के रूट वर्ड वाली समझ की वजह से आपको यह समझ आ गया कि पहली लाइन में बी वाला वर्ड ही आएगा, क्यों? क्योंकि हम एंटेडिलुवियन के साथ जाएंगे। आपने तुरंत ऑप्शंस में निगाह डाली, आपको समझ आ गया कि ए और सी ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता, बिकॉज ए और सी ये दोनों ऑप्शन शुरू कहां से हो रहे हैं? ए लेटर से हो रहे हैं, राइट। ए एंड सी रेस से बाहर हो चुके हैं। आउट ऑफ 10 words सिर्फ एक शब्द एंटेडिलुवियन की समझ से हमने 4 में से 2 ऑप्शन बाहर कर लिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में हो सकते हैं। अब आपने देखना है बी और डी में क्या डिफरेंस है। तो नजर आया कि बी एंड डी का पहला लेटर तो सेम है लेकिन बाकी के 4 letters अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या कि बची हुई 4 lines में 8 शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और उन 8 शब्दों में से अगर आपको किसी भी एक शब्द का मतलब पता है तो आप अपनी नैया पार कर लेंगे। शब्द एम्बार्गो और एम्ब्रोग्लियो, efface and effervesce, wrecked and rigged, and tortuous and torturous शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये शब्द बहुत मुश्किल हैं आपके लिए, राइट, इनको समझना। efface शब्द क्या मतलब है efface का? हाँ, अंदाजा लगा सकते हो इस वर्ड का आप। और इससे मुझे एक शब्द और आ रहा है deface। आप मेट्रो में अनाउंसमेंट सुनते हैं defacing the metro property is a punishable offense, याद आया? हाँ, defacing the metro property is a punishable offense, वहां deface है, यहां efface है। तो अगर आप deface करते हो इसका मतलब किसी चीज का फेस खराब करते हो, यानी अगर आपने मेट्रो के किसी संपत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ की, उसको deface करने की कोशिश की, उसे तोड़ने की कोशिश की, तो वो एक punishable offense है, वो सजा के योग्य अपराध है। और efface कर देना यानी एग्जैक्ट उसका फेस ही खत्म कर देना, उसे रिमूव कर देना, रूट वर्ड से शब्द का मतलब निकालने का तरीका आपको आ जाता है। एफरवेसेंस सुना होगा आपने, जैसे जब बुलबुला उठता है, वो सलमान खान फिज का ऐड किया करते थे ना, एप्पी फिज, आजकल तो नहीं करते, फिर अपने वापस आ गए, या शायद अब पेप्सी का भी नया। हां जी, तो करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच गए होंगे आप, करेक्ट ऑप्शन बता दो मुझे अब तो क्या लग रहा है। Analysts are worried about the decline in trade among countries and consider the embargo over trade agreement to be the sole reason. Yes, A is the correct word in the second statement. Embargo का मतलब क्या होता है? जब formal तरीके से, औपचारिक तरीके से trade के ऊपर ban लग जाए, export import पे ban लग जाए, right? तो यानी अब आपको ये पता लग गया कि सेकेंड प्लेस पे ए ऑप्शन आना चाहिए और आपका काम बन चुका है। आपको पता है कि पहले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, और कितने सेंटेंस हमें पढ़ने पड़े? सिर्फ दो सेंटेंस पढ़े, हमारा काम हो गया। इवन अगर आप ये आगे के सेंटेंसेस के मतलब आपको ना भी पता हो, सो दैट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। तो ये तो तरीका है क्या पेपर के प्रेशर में क्वेश्चन करने का। के अंदर मैंने आपको 10 questions दिए हैं, अभी ये पहला क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन के साथ 10 words, और उन 10 words की चर्चा में बहुत सारे शब्दों की चर्चा होगी, राइट। तो यहां पे एक तो इन क्वेश्चंस में 100 words हैं, 10 questions 100 words, बिकॉज ईच ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव 10 words। तो इन सारे शब्दों को हमें समझना भी है, इस बात के ऊपर ही फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन करना तो आ गया,
लेकिन बाकी शब्दों के मतलब पे भी चर्चा कर लेते हैं। इम्ब्रोग्लियो क्या होता है? इम्ब्रोग्लियो इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन। एफरवेस का कोई यूज करके बताएगा मुझे सेंटेंस में? मेक अ सेंटेंस वेयर यू कैन यूज द वर्ड एफरवेस। किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसका? मैंने आपको पहले ही जो है हिंट थोड़ा दे दिया है, एफरवेसेंस और उसी के साथ नाउन एफरवेसेंट, अब उसी से बना हुआ वर्ब है ये। चलो थोड़ी सी जगह खाली करते हैं, इस शब्द पे भी थोड़ा ज्ञान दे दूं मैं आपको। देखो, एक तो बात आपको समझ में आई गई कि जब मैंने एफरवेसेंट वाली जो चीज है उसको बताया कि वो चीज थोड़ी सी फिजी होगी अगर वो एफरवेसेंट है, तो ये शब्द जो है आपका एफरवेस है, ई डबल एफ ई आर बी ई एस सी ई, राइट, दिस इज वर्ब। तो जाहिर तौर पे ये बुलबुला देने वाली बात हो, अगर जैसे किसी भी लिक्विड से बबल्स निकल रहे हैं, राइट, वो जैसे वो मेलों में नहीं कराते थे बचपन में स्कूल, वो ऐसे करके और फिर उसमें बुलबुले उठा करते थे, तो वही है। एडजेक्टिव के तौर पे थोड़ा सा देखें तो एक इंसान जो कि बड़ा ही यू नो स्पार्कलिंग है, जिसमें बहुत फिज है, बड़ा एंथुजियाज्म है, हमने पिछले क्लास में एक वर्ड किया था सैंग्वीन, यू नो, तो एंथुजियास्टिक, समबडी हु इज वेरी कन्विवियल, समबडी हु इज वेरी वाइवेसियस, इस कॉन्टेक्स्ट में भी शब्द का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है उनमें बड़ी ऊर्जा होती है, बहुत ही बबली होते हैं, बबल्स उठ रहे होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये वर्ड इस्तेमाल हो लेता है। लिटरल मतलब तो खैर आपको पता ही है। अगला शब्द है बिल्कुल वेरी गुड लिखित, व्हेन आई गॉट प्राइज आई फेल्ट लाइक एफरवेसेंट। सॉफ्ट ड्रिंक्स देन वी सी एफरवेशन, बलराम बिल्कुल, जैसे ही सॉफ्ट ड्रिंक आप ओपन करते हैं उसमें से बुलबुले उठते हैं, फिज। द स्ट्राइक एंड शट डाउन हैव रेग्ड हैवॉक ऑन नॉर्मल लाइफ ऑफ द सिटी। अब यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज रेग्ड हैवॉक, डब्ल्यू आर ई सी के ई डी। यानी देखो, अब ये बहुत कंफ्यूज करता, खैर रेकिंग अ हैवॉक जो है ये एक कॉलोकेशन भी है, ये इन शब्द के साथ, हैवॉक के साथ ये शब्द जाता भी जाता है, लेकिन रेक्ड और रिक्ड भी बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है कि किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो मुझे कोई समझाना चाहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेग्ड एंड रिग्ड? और जब तक आप मुझे ये समझाएं तब तक मैं अगले शब्द की तरफ बढ़ता हूं। देखो, टॉर्चुअस है टॉर्च एंटन, यानी किसी चीज को एंटना, ट्विस्ट करना। अब यहीं से ये दोनों शब्द निकला हुआ है, तो समथिंग विच इज टॉर्चुअस, जैसे हम कहें ना कि दिस इज अ वेरी टॉर्चुअस प्रोसेस, तो टॉर्चुअस का मतलब क्या कि जिस चीज के अंदर, मतलब समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी टैक्सिंग, वेरी एग्जॉस्टिव, वो आपको बड़ा परेशान कर रहा है, वो चीज उसमें बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न है, उसे हम क्या कहेंगे? टॉर्चुअस। और दूसरा शब्द यहीं से निकला हुआ है टॉर्चर, टॉर्चर से ही तो टॉर्चरस बना हुआ है, तो टॉर्चर शब्द का खैर सबको मतलब पता है और उसी से आपके पास शब्द पैदा होता है टॉर्चरस। यू कैन इजिली डिफ्रेंशिएट दीज टू वर्ड्स। कुछ और शब्द इसी के सारे बता देता हूं मैं आपको। एक वर्ड आपने सुना होगा एक्सटॉर्ट करना, एक्सटॉर्शन। जब भी आपने यू नो डॉन्स के ऊपर फिल्में देखी होंगी या अपहरण के ऊपर फिल्में देखी होंगी, अबडक्शन के ऊपर, तो वहां पे ये शब्द बार बार आता है एक्सटॉर्शन, या भाई लोग हफ्ता वसूली कर रहे हैं वहां एक्सटॉर्शन वर्ड आता है एक्सटॉर्ट। अब तो खैर वो चीजें काफी कम हो गई, अदरवाइज आपके नहीं तो रामू की फिल्मों में लगातार ये वर्ड आपको सुनने को मिला करता था, राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में। तो खैर एक्स का मतलब क्या है? एग्जिट, और टॉर्ट का मतलब है ऐठन, जब वो फोन करता है कि तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, 2 करोड़ पहुंचा दो और बेटी को लेके जाओ, तो इसका मतलब क्या? इस सामने वाले को टॉर्ट करके, ऐठ करके पैसा निकलवाया जा रहा है, ये होता है एक्सटॉर्शन। अब अगर मान लो एक्सटॉर्ट वर्ब हो गया, एक्सटॉर्शन नाउन है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स, अगर आपको वोकैबुलरी इस तरह से समझ में आ गई तो क्या दोबारा कभी जीवन में एक्सटॉर्शन शब्द या एक्सटॉर्शन सुना हुआ है? एक्सटॉर्ट नहीं सुना होगा, लेकिन अगर ग्रामर पे कमांड बेहतर है तो आप तुरंत उसका मतलब निकाल लेंगे, ठीक है? रिटॉर्ट करना किसी को, तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं आप रिलेट कर सकते हैं। सिंघम में भी आया था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये शब्द आ गया। अब रिग्ड और रेग्ड का फर्क कौन बता रहा था मुझे? हाँ जी सोमवीर, क्या फर्क है? बहुत माइन्यूट सा फर्क है, लेट मी सी कि कौन
डिफरेंशिएट करता है देखो बहुत माइन्यूट सा फर्क है, फर्क देख लेते हैं हम। जो आपके पास शब्द आया हुआ है W R E C K, रेक, इसका क्या मतलब है? रेक का मतलब होता है टू डैमेज, किसी चीज को तबाह करना, टू डैमेज, डिवास्टेट समथिंग, राइट, किसी चीज को तबाह करना, बर्बाद करना, कहते हैं टीयर डाउन, टीयर अपार्ट, दैट्स द मीनिंग ऑफ डब्ल्यू आर ई सी के। और डब्ल्यू आर ई ए के का क्या मतलब है? डब्ल्यू आर ई ए के, जब आप उस डैमेज के लिए जिम्मेदार होते हैं, राइट, सो टू कॉज, टू कॉज आर ब्रिंग अबाउट, टू कॉज आर ब्रिंग अबाउट हैवॉक, डिवास्टेशन। जैसे जब कहीं तूफान आता है तो हर तरफ चीजें बिल्कुल क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो ये कॉज के तौर पे हो गया कि भाई ये चीज जिम्मेदार है उस तबाही के लिए, और वो डायरेक्ट तबाही है। ये फर्क है इन दोनों शब्दों में। तो द स्ट्राइक एंड शट डाउन हैव रेक्ड, हैव रेक्ड, तो यानी यहां पे स्ट्राइक और शट डाउन सीधा सीधा उस बर्बादी के लिए, वही लिखा है ना, रेक्ड हैवॉक ऑन द नॉर्मल लाइफ ऑफ द सिटी। और टॉर्चरस टॉर्चियोस आपको क्लियर हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन पे भी पहुंच चुके हैं। अब चलिए, अब समय है अगले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन के साथ मैंने आपको तरीका सिखा दिया है, अब मुझे पहले तो जवाब चाहिए फटाफट इसका, कि आप मुझे तुरंत इसे आंसर करके बताएं। What is the correct option? हाँ बिल्कुल, दोनों के दोनों शब्द वर्ब है। What is the correct option in the second question? सबसे पहले correct option, B, okay. बलराम ए, अर्पित सी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, शब्द भी बहुत आसान है। एनालॉजी बचपन से पढ़ रहे हो यार, दसवीं के बाद जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए होंगे उसमें वर्ड एनालॉजी के ऊपर आपको क्वेश्चन मिला होगा। एनोमलस बिहेवियर आपने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एनोमली, एनीमिया से एनीमिक बना है, खून की कमी, एनाल्जेसिक दवा का नाम है भाई, दर्द हटाने वाली। अमिड और अमिस बहुत ही बेसिक शब्द, आरके कभी हमने बोला, एनार्की से बना हुआ है, एनार्किक। और गुरमे और गुरमैंड और ग्लटन की चर्चा मैंने कई बार की है कि ये सारे के सारे शब्द खाने से संबंधित हैं, बस इनमें फर्क क्या आ जाता है, एक तो क्वांटिटी का और क्वालिटी का। तो ऑल द वर्ड्स आर वेरी इजी एक्चुअली, और इसमें बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। आपका सीजीएल है त्रिपाठी जी, बहुत सारे लोगों का बैंकिंग एग्जाम है, तभी ये प्रिपरेशन चल रही है कि सारे शब्दों के साथ आप बिल्कुल यूज टू हो जाएं। हां जी, करेक्ट ऑप्शन, देखो पहला सेंटेंस लिखा हुआ, माय फ्रेंड गुरमैन एंड गुरमे वाज ऑफन रिब्यूक्ड फॉर हिज फूड हैबिट्स। अगर इन दोनों शब्दों का ही फर्क आपको पता है तो भी आपका काम बन जाएगा, और दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ए और सी ए से शुरू हो रहे हैं और बी और डी बी से शुरू हो रहा है। तो गुरमे का मतलब क्या होता है? समबडी हु इज कनॉइजर ऑफ फूड क्यूजीन, जिसे बड़ी समझ है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है वो उस फील्ड के अंदर, राइट, जो बहुत ही क्वालिटी वाले खाने की बात करता है, रिफाइंड खाने की बात करता है, वो गुरमे के अंदर आएगा। गुरमे इंसान के लिए भी इस्तेमाल होता है, फूड के लिए भी इस्तेमाल हो लेता है। जिस जो चीज, जैसे फाइव स्टार होटल्स के जो खाने हैं वो क्या होंगे? वो गुरमे डिशेज होंगे। उनमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कोई भी चीज एक्सेस में मिलने वाली है, बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में चीजें मिलेंगी, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना होगा, स्वास्थ्यवर्धक खाना होगा, हाइजीन का बड़ा जो है ध्यान दिया जाएगा वहां पे। जबकि गुरमैंड का मतलब क्या है? इफ यू आर गुरमैंडाइजिंग मींस व्हाट, कि आप एक्सेसिवली ईट कर रहे हैं। तो सेंटेंस में क्या लिखा है कि मेरा दोस्त, अब उस मेरे दोस्त के बाद उस दोस्त का परिचय दिया जा रहा है, गुरमैंड और गुरमे, यही आपको चूज करना था।
और ये दोनों शब्द यहां पे नाउन के तौर पे आर्टिकल लगा हुआ है, तो नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, गुरमेंडाइज वर्ब होता है। तो उसे रिब्यूक करने का मतलब क्या है, उसे डांट फटकार मिलती है भाई, उसे फटकारा जाता है किस चीज के लिए, फॉर हिज फूड हैबिट्स। तो अगर इंसान क्वालिटी वाला अच्छा खाना कम, अच्छी चीज आप ज्यादा खा भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा अगर चीज प्योर हो तो एक लिमिट के बाहर आप नहीं खा सकते उसे, तो गुरमे के लिए थोड़ी उसे फटकार मिलेगी। जब वो खाने के ऊपर टूट पड़ता होगा, अनाप शनाप खाता होगा, जरूरत से ज्यादा खाता होगा, एक्सेसिवली ईटिंग करता होगा, तब तो उसे रिब्यूक किया जाएगा। तो बिल्कुल क्लैरिटी समझ आ गया कि यार पहले वाले सेंटेंस में ए वाला वर्ड आएगा, तुरंत समझ आया बी और डी रेस से बाहर है, क्योंकि यहां पे तो पहले वाले जो वर्ड्स हैं पहला ही जो है वो बी और बी लिखा हुआ है। तो अब लड़ाई ए और सी के बीच में है, और बस अब आप देख लो कि कहां से मुझे मदद मिल रही है। तो आपको मदद जो है आई थिंक थर्ड स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सभी में मिल रही है। तो आप किसी भी स्टेटमेंट को देख लें, आफ्टर रिव्यूइंग द बायोग्राफी द क्रिटिक पॉइंटेड आउट द लैक्यूना। आपको याद होगा मैंने ये लैक्यूना वर्ड डिस्कस किया था, लैक्यूना, सबैटिकल और सजर्न। सजर्न अभी पिछली क्लास में आया था, तभी मैंने ये तीनों वर्ड डिस्कस किए थे। तो सजर्न, लैक्यूना एंड सबैटिकल। यहां लैक्यूना आ गया। लैक्यूना का मतलब क्या होता है, लैक होता है, ऐसे दिमाग में रख लो कि जहां पे कोई चीज होनी चाहिए और नहीं हुई, ड्यू टू द लैक्यूना ऑफ द पुलिस फोर्स, यानी पुलिस की लापरवाही की वजह से। तो वही सेंस यहां पे भी है कि द क्रिटिक पॉइंटेड आउट द लैक्यूना, कि कहां कहां पे कमियां रह गई, कहां लैक रह गया, कहां गैप रह गया। रिमार्किंग द फ्लो ऑफ लैंग्वेज वॉज एनोमलस। एनोमली कब आती है, जब चीजें प्रॉपर तरीके, मैंने अभी आपको इशारा किया था केमिस्ट्री वाला, एनोमलस बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो जब वो प्रॉपर नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं, उसी के लिए एनोमलस आएगा। एनालॉगस का तो कोई सेंस नहीं है यहां पे। तो बस आप तुरंत ए ऑप्शन पर टिक मार के निकल लोगे। यहां पे भी काम वही करना पड़ा, दो लाइन पढ़ी, सही आंसर हमारे सामने है, ए करेक्ट ऑप्शन था। आगे भी बहुत ही आसान है, कहीं से मदद ले लेते। द प्लेयर गॉट सीवियरली इंजर्ड। और जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये आपके क्लोज टेस्ट, फिलर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये चर्चा हर तरह के क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगी। क्योंकि मैं यहां पढ़ना, पढ़ने के बाद वहां से इंफॉर्मेशन निकालना, उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग करना सही ऑप्शन पे पहुंचने के लिए, ये सब आपको सिखा रहा हूं। यहां सिर्फ हम एबीसीडी नहीं कर रहे, तो उस चीज का पूरा पूरा ध्यान दें और इस्तेमाल करें आने वाले क्वेश्चन में। तो प्लेयर जो है वो सीवियरली इंजर्ड हो गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैच, मैच के दौरान, एंड द टीम फिजिशियन प्रेस्क्राइब्ड एन एनेमिक एंड रेस्ट फॉर अभी क्या एनाल्जेसिक। तो भाई एनाल्जेसिक ही तो दिया जाएगा दर्द निवारण के लिए उसे। एनेमिक तो उसे कहते हैं जिसमें खून की, जिसको खून की कमी है, उस इंसान को हम एनेमिक कहेंगे। तो यहां पे भी बी आ गया। अब आप देखो ए ऑप्शन में वहां पे भी बी है, खैर सी में भी बी था। आगे की लाइन देख लिया आपने, द टेक्नीशियंस रियलाइज दैट समथिंग इज अमिड या अमिस इन द न्यूली बिल्ट कार। अमिस का मतलब क्या है, मिस हो गया। अमिड तो उस दौरान, उसके बीच में, मिड का मतलब मिडिल में, बीच में हो जाता है। ये हमने प्रपोजिशन में पढ़ा था, आपको याद होगा अमिड और अमोंग में क्या फर्क है, कि अमोंग के बाद हम काउंटेबल नाउन लगाते हैं अमोंग द स्टूडेंट्स, जबकि अमिड के बाद अनकाउंटेबल नाउन लगता है, अमिड दिस रकस, राइट। तो यहां पे अमिस है कि द टेक्नीशियंस रियलाइज, टेक्नीशियंस ने यह रियलाइज किया कि कुछ ना कुछ इस नई न्यूली बिल्ट कार में मिस है। बी आ गया, एंड कंपनीज हैव रियलाइज दैट दे नीड टू डू अवे विद देयर आर्काइक प्रोडक्ट्स, आउटडेटेड, जो भी किया हमने, आउटडेटेड, एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिज्म, क्रोन रूट वर्ड है, एना नेगेटिव हो गया, जो अपने समय से परे है। तो एनार्किक प्रोडक्ट्स का तो कोई लेना, प्रोडक्ट थोड़ी एनार्किक होता है, एनार्की, आर्क रूट वर्ड है, आर्क का मतलब क्या था, रूल ऑफ लॉ, पेट्रियार रूल का तरीका, जो आपके डिफरेंट वेज ऑफ रूलिंग है। तो पेट्रियार्की, मैट्रियार्की, उसी में डाईआर्की एंड देन मोनार्की, एंड उसी में से आ गया आपका शब्द एनार्की, और वहां से निकला हुआ है एनार्किक। सो एनार्की का मतलब नो रूल ऑफ लॉ, ए एन लग गया आर्क से पहले, उसका कोई लेना देना नहीं था, ए करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच गया। बात क्लियर हो गई सभी को, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस। अच्छा, गुरमे गुरमेंट फिर से बता देता हूं भाई, एक बार याद रखना हमेशा के लिए। अभी देखो, गुरमे जो शब्द है हमारे पास, प्रोनंसिएशन गुरमे है, गुरमेट नहीं बोलते। उसके बाद अगला शब्द आपके पास क्या था, दैट इज गुरमेंट।
ये वन वर्ड में भी कई बार आता है, और फिर इधर क्या है ग्लटन। इस तीनों के तीनों शब्द खाने से संबंधित हैं। देखो जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, और क्वालिटी जो है वो क्या है भाई, वो घटती चली जा रही है। बस इस मैप से आपको हमेशा याद रहेगा। तो गुरमे आदमी सबसे ज्यादा क्वालिटी वाला खाना खाता है, गुरमेंट थोड़ा सा बीच में है, बट ग्लटन जो है वो तो मतलब आंधे आंधे वाला मामला उसका, जो आने तो सब निपटाएगा। ये फर्क है तीनों शब्दों में, डिग्री का फर्क है, समझते चलिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, ये खाने में मतलब खूब सारा खाना खाता है ये, और कुछ भी खाता है, क्वालिटी की उतनी चिंता उसे नहीं है, लेकिन जब आप इधर पीछे आ रहे हो तो अब क्वालिटी जो है बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैंने जब इधर एरो बनाया है तो क्वालिटी को नीचे कर दिया है कि आगे बढ़ते बढ़ते क्वालिटी पे ध्यान नहीं है, बस क्वांटिटी बढ़ रही है। चलिए जी, अभी डाउनलोड करें Careerwill App।